हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा क्रिएशन। आज मैं आपको ये अंगरखा कुर्ती बताने जा रही हूँ। मुझे इसका सजेशन मेरी फ्रेंड अमीशा, जो गांधीनगर से है, उन्होंने दिया था। इसे मैंने लेफ्ट ओवर फैब्रिक, जो बचे हुए टुकड़े होते हैं 1-1.5 मीटर के, उससे मैंने इसे मिलाकर बनाया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आपको हेल्पफुल रहे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें अपनी फ्रेंड के साथ। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। तो आइए हम शुरू करते हैं। ये देखिए, ये बचे हुए टुकड़े हैं और ये दोनों ही कॉटन फैब्रिक हैं। ये 1.5 मीटर है और दूसरा जो प्लेन फैब्रिक है ये 1 मीटर है। तो हम इन दोनों को मिलाकर आज अंगरखा कुर्ती बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। लेंथ इसमें 32 है, चेस्ट 38 है, कमर जो नेचुरल वेस्ट है वो 34 है, सीट यानी जो हिप राउंड होता है वो इसमें 40 है और शोल्डर इसमें 14 है। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये जो प्रिंटेड फैब्रिक है इसमें से बैक पीस निकालूंगी, क्योंकि इसका देखिए अर्ज काफ़ी कम है, इसका अर्ज 34 ही है। तो हम इसमें से 32 लंबाई की कुर्ती निकालेंगे। तो देखिए, यहाँ पर इसे डबल फोल्ड करना है और फोल्ड हमें कितना करना है, तो देखिए हमारा जो हिप राउंड है वो है 40, यानी उसका फोर्थ पार्ट है 10 और मैं उसमें 2+ करूँगी, यानी 12 इंच पर मैंने इसे फोल्ड किया है कपड़े को। अब यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे बैक पीस के लिए। तो सबसे पहले लेंथ ले लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम 32 लंबाई के लिए बना रहे हैं, तो ये 34 इसका अर्ज है, हम पूरा ले लेंगे। अब यहाँ से मैं शोल्डर के लिए निशान लगा रही हूँ। शोल्डर 14 है तो उसका हाफ मैंने यहाँ 7 लिया हुआ है। आर्म होल भी मैं यहाँ 7 इंच ले रही हूँ। यहाँ पर हम चेस्ट का फोर्थ पार्ट लगाएंगे, यानी 9.5 पर मैंने निशान लगाया है। उसके बाद आप जितना मार्जिन लेना चाहें, 1.5 या 2 इंच, मैं यहाँ पर 1.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ मार्जिन के लिए। अब इसमें मैं लंबाई के नाप ले लेती हूँ। तो देखिए, जो नेचुरल बेस्ट कमर का निशान होता है वो 14 इंच पर होता है और जहाँ से हम कुर्ती को ओपन करते हैं वो 21 इंच पर मैंने यहाँ निशान लगाया है। तो जो नेचुरल वेस्ट है वहाँ पर हम उसका फोर्थ पार्ट लगाएंगे 8.5। इसके बाद यहाँ पर भी मैंने 1.5 इंच मार्जिन के लिए रखा है। जो सीट है हिप राउंड वो 40 है, तो उसका जो चौथा भाग है वो यहाँ पर 10 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ। और यहाँ पर आपको मार्जिन सिर्फ 1 इंच लेना है। नीचे देखिए, बॉटम आप सेम भी ले सकते हैं। नीचे यहाँ पर 12 इंच है तो मैं ये पूरा ले लेती हूँ। अब यहाँ मैं नेक के लिए निशान लगा रही हूँ, 3 इंच पर मैंने निशान लगाया है। और ये पीछे का पर्दा है, हमें यहाँ कॉलर लगाना है, तो यहाँ पर सिर्फ 1 या 1.25 इंच पर आप यहाँ गहराई दें। तो देखिए, इसे मैंने इस तरह से राउंड कर दिया है, बिल्कुल छोटा सा गला आपको यहाँ कट करना है। अब इन निशानों को मैं मिला देती हूँ, देखिए इस तरह से। आप इसे सिंपल स्केल से भी मिला सकते हैं। ये देखिए, ये फिटिंग का निशान है जो मैं लगा रही हूँ, और नीचे से हम इसे इसी तरह से स्केल से सीधा मिला देंगे। तो 1 इंच का डिफरेंस है बॉटम में और हिप राउंड में। तो देखिए, ये हल्का सा तिरछा आया हुआ है, इस तरह ये मार्किंग हो गई है। अब यहाँ पर मैं आर्म होल की शेप लगा रही हूँ। तो जैसा कि मैं बताती हूँ, 3 इंच पर निशान लगाकर इस तरह से शेप लगा दी है मैंने इसमें, और इसमें 1/2 इंच शोल्डर डाउन करना है। तो यहाँ से मैं इसे मिला देती हूँ नेक तक। तो इस तरह से ये बैक पीस की ड्राफ्टिंग हो गई है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। ये देखिए, पीस मैं पूरा कट कर चुकी हूँ, एक्स्ट्रा फैब्रिक हम यहाँ से हटा देंगे। अब ये जो बैक पीस है इसे ही रखकर हम फ्रंट के पीस कट करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हम 2 पीस निकालते हैं फ्रंट के लिए। तो ये मैंने सिंगल कपड़ा बिछाया हुआ है, प्लेन पीस, इसके ऊपर हम अपने प्रिंटेड कपड़े को बिछाएंगे। दोनों कपड़े मैंने एक दूसरे के अपोजिट बिछाए हुए हैं। तो इस तरह से जमाने के बाद हम इस पर अपना बैक पीस जो है उसे इस तरह पीछे की साइड से जमा देंगे। तो ये देखिए, बिल्कुल मैंने इसे सेट कर दिया है। अब जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, आगे के पर्दे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं, यानी हमें आगे के जो पर्दे हैं वो एक्स्ट्रा काटने हैं। तो देखिए, जो पीछे का पर्दा है उसका निशान ये है, यहाँ मैंने निशान लगा दिया है, यहाँ तक हमारा बैक पीस है। इसके बाद हम एक्स्ट्रा इसमें कम से कम 5 इंच लेंगे।
तो देखिए मैंने ये इंच टेप रखा और 5 इंच पर मैं यहाँ से पूरे नीचे तक निशान ले लेती हूँ और अब इन निशानों को मैं मिला दूंगी। यानी हमने जो फ्रंट के पर्दे हैं वो 5 इंच ज़्यादा काटे हैं, तो इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन मैंने मिला दी है। अब देखिए पीछे आपको सेम मार्किंग करनी है जो हमने बैक पीस में की थी और उसकी कटिंग भी सेम करनी है। अब हम फ्रंट के पीस में नेक के लिए निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ से हम लेंथ लेंगे नेक की, तो मैं यहाँ पर 7 इंच पर निशान लगा रही हूँ। ये देखिए यहाँ निशान लगाने के बाद हमने इसे इस तरह से मिला लिया है और अब जो फ्रंट पीस की मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। तो इस तरह से मैंने जो ड्राफ्टिंग लगाई थी वो कट कर ली है। अब हम यहाँ से जो बैक पीस है उसे हटाकर अलग रख देते हैं और यहाँ पर मैं नेक ड्रॉ करूँगी। तो देखिए यहाँ पर 3 इंच पर हमने जो नेक लिया था उसे हम इस तरह से गला बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने के बाद हम यहाँ पर शेप लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसे गोल शेप लगा देती हूँ। यहाँ पर आप चाहें तो फ्रेंच कर्व से भी शेप दे सकते हैं, उससे बहुत अच्छी शेप लगती है। तो देखिए ये अंगरखा है इसलिए हम इसे हल्का सा नीचे करेंगे इस तरह से। तो 7 इंच से कम मैंने 2 इंच इसे नीचे किया हुआ है। तो देखिए शेप लगाने के बाद अब हम इसे कट करेंगे। कट करने के पहले आप हमेशा ध्यान रखें कि आपको कौन सा कपड़ा फ्रंट में लेना है। अगर आप प्रिंटेड और प्लेन दो फैब्रिक ले रहे हैं तो ध्यान रखिए जो प्लेन फैब्रिक है यहाँ पर वो लेफ्ट साइड में आएगा और प्रिंटेड कपड़ा राइट साइड में आएगा। तो आपको जो कपड़ा फ्रंट में रखना है राइट साइड में उसे आप ध्यान से रखें और उसी तरह से फिर आप शेप लगाएं। तो यहाँ पर मैं अब नेक की कटिंग कर लेती हूँ। तो इस तरह से ये नेक की कटिंग कर ली है और ये नेक का जो सेंटर का पॉइंट है यहाँ पर भी मैं हल्का सा निशान लगाऊंगी, जिससे जब हम इन दोनों कपड़ों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे तो नेक बनाने में हमें आसानी रहेगी। नेक कट करने के बाद ये चूंकि फ्रंट के पीस हैं तो हम यहाँ पर आर्म होल की शेप भी लगा लेते हैं। आर्म होल की शेप लगाने के बाद अब ध्यान रखिए कि हमने दोनों फ्रंट के पीस जो हैं वो साथ में काटे हैं। जब हम साथ में काटते हैं तो हमें इजी पड़ता है। अगर हम इन दोनों पीसों को अलग अलग काटेंगे, क्योंकि इसमें एक थोड़ा छोटा होता है एक बड़ा होता है, जो फ्रंट में ऊपर से आता है वो बड़ा पीस होता है, तो हमें थोड़ा सा टफ पड़ता है। इसलिए मैंने इन दोनों पीसों को साथ में काट लिया है। अब हम जो फ्रंट का पीस है उसे जितना हमने लाइन बनाई थी 5 इंच हमने कपड़ा बढ़ाया था उसे मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिया है और यहाँ से मैं जो पीछे वाला पीस है उसमें से कम 2.5 इंच की पट्टी काट कर निकाल दूंगी। तो जिस तरह हम अलग अलग काटते हैं एक बड़ा एक छोटा कपड़ा, ये देखिए हो गया है। अब हम इसमें नेक का जो हमने कट लगाया था उसे हम बिल्कुल मिलाएंगे, हम इसके ऊपर रखेंगे। तो देखिए ये बिल्कुल अंगरखा का पैटर्न आ गया है और ये बहुत ही ईजी तरीका है फ्रंट के पीस काटने के लिए। अब हम जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें से स्लीव्स निकाल लेते हैं। तो देखिए ये जो प्रिंटेड फैब्रिक था 1.5 मीटर उसमें से अब इतना ही कपड़ा बचा है, तो जितनी इसकी लेंथ है मैं पूरी ले लूँगी और चौड़ाई जैसा कि मैं बताती हूँ चेस्ट का 4th पार्ट लेना होता है। और यहाँ पर मैंने उसी तरीके से स्लीव्स बना रही हूँ जिस तरह मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक लीफ का शेप लगाया है और फ्रंट की साइड में जो बॉटम है उसका निशान लगाएंगे। मार्जिन हमें इसमें उतना ही लेना है जितना आपने कुर्ते में लिया हुआ है। तो इस तरह से मैंने ये निशान लगा दिया है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो देखिए कट करने के बाद आप इसे ओपन करिए और इसमें जो फ्रंट की शेप होती है उसे कट कर लीजिए। इस तरह से ये स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। हमने स्लीव्स, बैक पीस और फ्रंट के दोनों पीस काट लिए हैं। अब हमारे पास जो प्लेन फैब्रिक बचा है इसमें से हम कॉलर कट करेंगे, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो अब हम चलते हैं सिलाई के लिए। ये देखिए ये फ्रंट के दोनों पीस हैं, हम इस पर बैक पीस रखकर सबसे पहले हम इसमें शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से दोनों पीस अपोजिट रखें और मैं यहाँ शोल्डर पर सिलाई लगा लेती हूँ। शोल्डर जॉइंट होने के बाद देखिए एक तरीका ये है कि आप नेक को सिंपल कैनवास की पट्टी लगाकर तैयार कर लें और यहाँ फ्रंट की साइड पर भी फोल्ड कर लें, तो ये एक सिंपल तरीका है। लेकिन हम यहाँ पर कॉलर लगा रहे हैं तो आपको इसका जो नेक है
वो हल्का सा यहाँ नीचे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जो कॉलर है वो डबल फोल्ड होके आएगी तो नेक बहुत छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको मेज़रमेंट बता देती हूँ। देखिए, शोल्डर से निशान रखने के बाद आपको तिरछा यहाँ 14 इंच लेना है, जितना नेचुरल वेस्ट के लिए हम निशान लगाते हैं। और अब यहाँ से आपको नेक तक इस गले को थोड़ा सा और बढ़ाना रहेगा। हम नेक को नहीं बढ़ाएंगे, ध्यान रखें कि हम इस तरह से निशान लगाएंगे कि नीचे की साइड ये इस तरह कर्व जाए। और दोनों कपड़ों में आपको ये कटिंग करनी है, तो हम इन दोनों पीस को इस तरह से मिलाकर रखेंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा हम यहाँ से निकाल देंगे। ये कटिंग आपको जभी करनी है जब आप यहाँ कॉलर लगाएं। कॉलर भी मैं डबल फोल्ड वाला लगा रही हूँ, तो उससे नेक छोटा हो जाएगा। तो देखिए, मैंने यहाँ कट कर लिया है और पीस को मैंने यहाँ जमा कर रख लिया है। अब आपको ये जो फ्रंट के पीस हैं दोनों ओपन, उनकी जो किनारे हैं उसे फोल्ड करना है। दोनों को आप सिंपल फोल्ड कर दें, फिर हम कॉलर के लिए मेज़रमेंट लेंगे। देखिए, यहाँ पर पट्टी फोल्ड कर ली है मैंने। अब हम यहाँ कॉलर के लिए मेज़रमेंट लेते हैं। तो एक साइड से हम इस तरह नापेंगे, इंची टेप को रखेंगे। आप ये मेज़रमेंट बिल्कुल ध्यान से लें, क्योंकि कॉलर बिल्कुल नाप की बनेगी। तो देखिए, यहाँ मैंने एक सिरे से नापना शुरू किया और दूसरे सिरे पर 38 इंच आया है, यानी 38 इंच। तो हम जो कॉलर तैयार करेंगे वो 38 इंच की लेंगे। ये देखिए, जो प्लेन फैब्रिक है मेरा वो थोड़ा सा मोटा है। यहाँ पर हल्का सा जो कैनवास आता है वो चिपका हुआ है, तो मैं यहाँ पर कैनवास नहीं लगाऊंगी। अगर आपका सॉफ्ट कपड़ा है तो आप ये जो पतला वाला कैनवास आता है उसे आप इसके अंदर लगाएं। तो यहाँ पर हमें 38 इंच का कॉलर बनाना है। तो ये डबल फोल्ड कपड़ा है, तो मैंने यहाँ पर 19.5 इसकी लंबाई लेनी है और चौड़ाई में ये अभी 10 इंच है। अब हम इसे डबल फोल्ड करेंगे। तो देखिए, बीच में जो जोड़ है उसे आप इस तरह से खोल लें, क्योंकि काफ़ी लंबा कॉलर है तो जोड़ आपको लगाना पड़ेगा। और हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखें, मैंने कैनवास नहीं लगाया है क्योंकि ये काफ़ी मोटा कपड़ा है। और इस तरह से 4 फोल्ड करने के बाद मैंने इसे पिनअप कर दिया है, जिससे हमारा कॉलर बिल्कुल एक सा कटे। अब इस पर हम चौड़ाई देख लेते हैं। तो मुझे कॉलर रेडी चाहिए, तो मैं यहाँ पर 4.5 पर एक निशान लगाऊंगी, यानी 4.5 पर मैंने इसे निशान लगा लिया है। और इस तरह से आप चाहें तो पूरे में स्केल से एक लाइन भी खींच सकते हैं। अब हम यहाँ कॉलर के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए, आपको हल्का सा इस तरह कर्व देना है। ऊपर की साइड ये फोल्डेड है, तो हमें ऊपर की साइड कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जो कॉर्नर है वहाँ पर इसे गुलाई देनी है। और मैं इसे कट कर लेती हूँ। इस कॉलर को लगाना बहुत ही आसान है और ये सिंपल स्ट्रेट कॉलर है, देखिए आप। और जो सिलाई का मार्जिन है वहाँ पर भी मैंने एक कट का निशान लगा लिया है। पिन मैंने इसमें से निकाल ली है। अब इस कॉलर को हम उल्टा करेंगे और जो हमने कट किया था हिस्सा गुलाई का, सिर्फ हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो इसके लिए हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया हुआ था 1/2 इंच। तो देखिए, यहाँ सिलाई लगा ली है मैंने और इसे आप हल्के हल्के कट कीजिए। इसके बाद मैं इसे सीधा कर लेती हूँ। ये देखिए, सीधा करने के बाद इस पर हमने हल्की सी प्रेस कर दी है, तो ये बिल्कुल अच्छे से बैठ गया है। अब आपको देखिए, ये ध्यान देना है कि जो हमने निशान लगाया था उस कपड़े को अंदर फोल्ड करना है और प्रेस से इसे अच्छे से दबा देना है। ये चीज़ हमें दोनों साइड करनी है। अगर आप चाहें तो यहाँ इस तरह से फोल्ड करके आप पिन लगा लें और उसके बाद आप यहाँ प्रेस करें, तो ये बिल्कुल अच्छे से जो इसकी किनारे हैं, 1/2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा था वो फोल्ड करना है। ये देखिए, मैंने इस पूरे कॉलर को इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब हम इस कॉलर को अपनी कुर्ती में अटैच करेंगे। तो देखिए, एक साइड से हम इसे इस तरह रखेंगे और जो कुर्ती का कॉर्नर है उसे इसके अंदर रखेंगे और दूसरा फोल्डेड साइड इसके ऊपर रखकर आपको यहाँ सिलाई लगानी है। ये लगाना इतना आसान है कि आप एक ही बार में पूरा कॉलर बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगा सकते हैं। जब हम सिलाई लगाते हैं तो पीछे की साइड से जो कपड़ा है वो हाथ में आता है, तो आपको आइडिया हो जाता है कि हमारी सिलाई बिल्कुल सही चल रही है। और इसी तरह से हम पूरे कॉलर को अटैच कर लेंगे।
अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसमें पूरे को पिनअप भी कर सकते हैं इस तरह से पकड़कर, और फिर आप इसमें सिलाई लगा लें। और इसका एक दूसरा तरीका ये है कि हम इस तरह से जो हमने प्रेस से निशान बनाया है वहाँ पर आप एक तरफ से पहले सिलाई लगाएं और उसके ऊपर आप ये दूसरी परत रखें और ऊपर से एक सिलाई लगाएं, तो इस तरह आपको डबल सिलाई लगानी पड़ेगी। तो मैं इसे अटैच कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने कॉलर को अटैच कर लिया है और यहाँ पर एक ही सिलाई आई है, दोनों साइड से हमने इसे अटैच कर लिया है। यहाँ देखिए जब हम यहाँ सिलाई लगाते हैं तो पीछे की साइड का जो फोल्डेड एरिया होता है वो भी हमारे हाथ में टच होता है, तो सिलाई बहुत आसानी से हो जाती है इस पर। और इसके अंदर हाफ इंच का जो मार्जिन है, तो मैं यहाँ पर एक डबल सिलाई लगा लेती हूँ एक बूट की। तो ये देखिए मैंने यहाँ एक बूट की सिलाई और लगा ली है, तो कॉलर हमारा बिल्कुल मजबूती से और बहुत सुंदरता के साथ लग चुका है। अब हम इसे ओवरलैप करेंगे। तो देखिए कॉलर को सबसे पहले हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद हम इसे बिल्कुल जमाएंगे। आपको कपड़ों को एक दूसरे के ऊपर इस तरह ओवरलैप करना है और इसे अच्छे से जमाना है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने फोल्ड करके कुर्ती को बिल्कुल अंगरखा स्टाइल में जमा लिया है। और ये जो ऊपर की साइड आएगी तो हमारा जो वहाँ चौक से निशान लगा हुआ था पहले, वहाँ पर हम इसे रखेंगे। और मैं यहाँ पर पिनअप कर देती हूँ। उसके बाद आप इसे प्रेस कर लें तो ये बिल्कुल अच्छे से कॉलर सेट हो जाएगी। अब देखिए आपको इन दोनों कपड़ों को अटैच करना है। जो ये प्लेन कपड़े का फैब्रिक अंदर की साइड है वहाँ हम इसे अटैच करेंगे। मैं इसे इस तरह से दिखाती हूँ आपको। तो देखिए कुर्ती को आप बिल्कुल किनार मिलाकर यहाँ से और बिल्कुल अच्छे से बिछाएं, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक सिर्फ इतने हिस्से में आपको सिलाई लगाकर इन दोनों कपड़ों को अटैच करना है। तो देखिए मैंने इसे यहाँ से जो कॉलर का कॉर्नर था वहाँ से यहाँ तक सिलाई करके इसे अटैच कर लिया है। यहाँ मैंने इसे अभी पिन लगा रखी है, आप चाहें तो यहाँ भी हल्का सा एक इंच सिलाई करके इसे अटैच कर सकते हैं। तो अब हम इसमें स्लीव्स लगाएंगे। तो जो हमने स्लीव्स कट करके रखी थी उसे मैं यहाँ अटैच कर लेती हूँ। तो देखिए स्लीव्स अटैच होने के बाद आप इसका बॉर्डर चाहें तो इसे सिंपल डबल फोल्ड कर दें, या जो ये प्लेन फैब्रिक में से एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है तो मैं यहाँ पर ये बॉर्डर लगा लेती हूँ। तो देखिए सीधी पट्टी रखी है मैंने कपड़े के नीचे, ऊपर से हम सिलाई करेंगे और इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए हम इसे ऊपर की साइड से सिलाई लगाएंगे। तो स्लीव्स में जो बॉर्डर का लुक आएगा देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से दोनों स्लीव्स रेडी हैं। अब आपको इसमें सिर्फ फिटिंग देनी है। तो जैसा कि आप कुर्तियों में फिटिंग देते हैं सिंपल उसी तरीके से हम स्लीव्स बॉटम लेंगे और आर्म होल की साइड हमने मार्जिन जो छोड़ा होता है 1.5 इंच का वहाँ पर निशान लगाएं, और जहाँ हम 21 इंच पर निशान लगाते हैं वहाँ तक ही आपको सिलाई लगानी है। तो देखिए मैं दोनों साइड इसमें फिटिंग की सिलाई लगा चुकी हूँ। अब हम इसके चाक फोल्ड करेंगे। तो देखिए सिंपली 1 इंच कपड़ा हमने एक्स्ट्रा लिया रहता है, तो आपको इस तरह से डबल फोल्ड करना है और एक साइड से सिलाई लगाते हुए दूसरी साइड तक पूरा इसे नीचे तक सिलना है। सिंपल कुर्ती का वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ, उसमें मैंने बिल्कुल चाक फिनिशिंग के साथ सिलना बताया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो यहाँ हम दोनों साइड के चाक फोल्ड कर लेते हैं। तो देखिए मैं दोनों साइड चाक फोल्ड कर चुकी हूँ। अब आपको इसका बॉटम फोल्ड करना है। तो यहाँ देखिए गोल्डन कपड़े का बॉटम मैंने फोल्ड कर लिया था क्योंकि वो सेम धागा लगा हुआ था, तो आप उतने पे ही इसे फोल्ड कीजिए। 1 इंच आपको फोल्ड करना है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसका बॉटम भी फोल्ड कर लिया है। अब मैं आपको इसे सीधा कर दिखा रही हूँ। तो देखिए सीधा होने के बाद ये इस तरह से आया है, और यहाँ पर आपको डोरी लगानी है जो कि अंगरखा पैटर्न की निशानी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये रेडीमेड डोरी ली है और इसमें जो टुकड़े बचे हुए थे अपने कपड़े के उसके मैंने यहाँ टसल्स बना लिए हैं। टसल्स भी मैं आपको बनाना बता चुकी हूँ। देखिए इस तरह से आपको हाफ सर्कल लेना है और ये डोरी आपको इसके बीच में रखनी है इस तरह से, और हम जो कपड़ा होता है उसे इस तरह से फोल्ड करते हैं और यहाँ डबल सिलाई लगा देते हैं। सिंपल आप इसी तरह से टसल्स बना लें, और ये मैचिंग कपड़े के टसल्स हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं।
डोरी को आप चाहें तो यहाँ इसे सिंपल इसी तरह से अटैच कर सकते हैं। मैं इसके दो पीस कर लेती हूँ और एक पीस मैं यहाँ लगाऊंगी, दूसरा पीस हम इस कॉर्नर पर लगाएंगे। तो देखिए, एक पीस मैंने यहाँ पर हल्की सी सिलाई खोल के इसके अंदर अटैच कर दिया है और दूसरा हमने यहाँ कॉलर के कॉर्नर पर लगा दिया है। इस तरह से ये डोरी लग चुकी है और इस कपड़े को भी मैंने यहाँ अटैच कर दिया है। इस तरह से देखिए इसका ये लुक आया है। स्लीव्स में भी हमने जो बॉर्डर लगाया है इससे ये और अच्छी लगने लगी है। तो देखिए, जो बचे हुए कपड़े होते हैं उससे भी आप इतनी अच्छी स्टाइलिश कुर्ती बना सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से ये खूबसूरत अंगरखा कुर्ती तैयार हो गई है। इसे आप फुल पटियाला सलवार पर पहनें तो ये बहुत अच्छी लगेगी। और अगर आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल कृष्णा क्रिएशन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।